हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही प्रॉब्लम है कि जब वो किसी गेस्ट को अप्रोच करते हैं तो उनके गेस्ट को सलाहकार मिल जाता है। रेडी होने के बावजूद भी उनके गेस्ट को सलाहकार मिल जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? 4 दिन 5 दिन जिस दिन उनको आना होता है उससे पहले वो फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो आप लोग पूरा सटीक अप्रोच नहीं करते। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम को ही बताने वाला हूँ कि आखिर आपका गेस्ट को सलाहकार मिलता क्यों है। ऐसा तो नहीं है कि सारे गेस्ट को सलाहकार मिल रहा है। इंडिया में जितने जान भी अप्रोच कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा गेस्ट है जिसको सलाहकार नहीं मिल रहा। तो आखिर वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं और आप कौन सा तरीका छोड़ रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आप अपर हैंडसेट नहीं लगाते अपने गेस्ट को। अपर हैंडसेट लगाना सीखिए। तो अपर हैंडसेट लगाइएगा कैसे? जब किसी गेस्ट से बात करते हैं, यदि वो आपको क्लोज फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड को बोलिए कि भाई सुन, अगर मैं तेरा काम तो लगवा रहा हूँ, पर अगर वो आपके मोहल्ले के पास में रहता है तो उससे ये बोलिए कि देख भाई, तू तो जानता है कि हम काम में बिजी रहते हैं, और तू अगर बताएगा कि हम तेरा काम लगवा रहे हैं तो सब हमको यही बात बोलेगा कि भाई मेरा भी लगवा दे, तो फिर हम परेशान होंगे। हम जानते हैं कि तेरा स्थिति ख़राब है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, तो हम सोच रहे कि तुम बोला हमको रिक्वेस्ट किया, तो हम सोच रहे कि तुम्हारा लगा दे काम। इसको पूरा कैजुअली बोलना है और ज़्यादा लंबा बात को नहीं खींचना है कि देखो यार, आजकल तो बहुत बुराई से, महंगाई से, ये वो हैं तेन, आधा घंटा 20 घंटा खींच रहे हो। हाँ, उस तरह खींचना नहीं है बात को। तो उस चीज़ को समझो कि आखिर, तो सिंपल उसे बोलना है कि देख, अगर तू मोहल्ला में हल्ला करेगा कि हम तेरा काम लगवा रहे हैं, तो वो भी हमको बोलेगा कि भाई मेरा भी लगवा दे, फिर हम परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि तुम मत ही बोल किसी को, काम लगने दे, फिर तुम बताना अपना जिसको बताना होगा। तो इसीलिए पहला, दूसरा, और दूसरा जो पॉइंट होता है कि आप उसके घर के गार्जियन, जो है घर का गार्जियन से 0% का कनेक्शन रहता है, जानते हुए भी फिर भी बात नहीं करते हैं। थोड़ा डर रहता है, हमको पता, थोड़ा डर लग जैसा लगता है कि घर का गार्जियन से क्या बात करेंगे। वो दोस्त है, पर एक बार अगर घर का गार्जियन से बात कर लिए, क्योंकि आपको पैसा भी चाहिए, घर से तो मंगवाना है ना पैसा, तो कैसे मंगवाओगे? वो तो पैसा कमाता नहीं। जो अपना सेल्फ, घर का गार्जियन एक होता है ना, कोई भी अगर सेल्फ है तो उसे आप कर सकते हैं, पर जिसका घर का गार्जियन है, जिसका माँ है बाप है, तो उससे तो बात करना ही पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि माँ से बात करें, समझे। और जब घर का गार्जियन से बात करते हैं तो उससे भी ज़्यादा मत खींचिए, चुपचाप इधर उधर कैजुअली बोलिए, और उसका बेटा जो भी है उसका तारीफ़ करें, थोड़ा बताओ अपनी दोस्ती के बारे में, बस ज़्यादा नहीं खींचना है बात को। और तीसरा, जो पैसा बोलते हैं आप लोग, 20,000 20,000, जैसे आप 20,000 बोलिएगा उसी तरह बोलिएगा भाई गेलवे का, तो ये 20,000 वाला बात हटाओ। जिसका देख रहे हो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो उसे बोलो भाई यहाँ 1.5 से 2 लाख रुपए, नहीं भाई लगभग 30-35,000 रुपये आसपास खर्चा होता है। ये भी कैजुअल में बोलिए, बोलो एकदम, बोलेगा पैसा कहाँ खर्च होता है, तो पैसा बोलो कोर्ट से फटाफट बनता है, वो तुम्हारा इंटरव्यू फेस होने के बाद, जो भी पास हो जाओगे उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रोसेस में है वो तुम्हारा काम होने के बाद ही लगता है। इससे पहले पर वही है कि पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो अच्छा है ना, जितने जल्दी हो सके अपना काम हो जाएगा, क्योंकि पैसा, जानते हो, सबको काम चाहिए, अपना ही पैसा काम चाहिए। तो ये बात बोल सकते हो, तो एकदम कैजुअल बोलो सब चीज़, ज़्यादा पहाड़ की तरह भी एकदम टानना ठीक बात नहीं है कि भाई एकदम यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये यहाँ पे इतना है उतना है। और ये एक बात और कि ये फाइल मैनेजमेंट डाटा एंट्री, यह तो हर जगह देखते हैं फाइल मैनेजमेंट डाटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट डाटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट डाटा एंट्री, क्या है जी?
तो फाइल मैनेजमेंट और डाटा एंट्री से भी हटो। कोशिश करो कि थोड़ा लेवल देने का, उसको जो क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से दो। अगर वो कंप्यूटर नॉलेज जानता है तो बोलो टैली वैली आता है या फिर एक्सेल शीट बनाने जानता है, जो आईटीआई है उसके लिए बोलो। अब ये मत बोल दो कि यहाँ पे जेसीबी चलाना है तो यहाँ पे लोहा फैक्ट्री बनता है, वो आएगा देखेगा प्रोडक्ट तो तुम बोलोगे, वो बोलेगा कि लोहा फैक्ट्री कहाँ है। तो ऐसा भी मत करो कि कम से कम दिखा सको, तो कुछ इस तरह का आइडिया बनाओ, आगे सोचो। और जो गरीब है जो, तो उससे बोलो 10-12 हज़ार 15 हज़ार के आसपास लगता है, 20 हज़ार मत बोलो। और ये नॉमिनी फैसिलिटी हटा, हर आदमी देखते नॉमिनी 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 नॉमिनी, ऐसा कहाँ से मिलता है बताओ? नॉमिनी तो कहीं मिलता नहीं है, ये तो बिजनेस है। तो बिजनेस में ना नॉमिनी मिल रहा, पर वो तो नहीं जान रहा ना कि ये बिजनेस है। वो तो जान रहा है कि मेरा कोई अच्छा काम लग रहा है। तो इस चीज़ को समझो। और 10 से 12 हज़ार बोलोगे तो 10 से 12 हज़ार में तुम्हारा काम तो पूरा होगा नहीं, पर एक बात समझो इस बात को कि तुम उसे अपना नेटवर्क में जोड़ रहे हो, ठीक है? तो नेटवर्क में जोड़ने के लिए वो उसका जो अपना रहने खाने का खर्चा वो तो खुद दे रहा अपना, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है वो ले सकता उतना पैसे से ना। फिर तो वो अपना, जब तुम उसे डायमंड बना दोगे तो वो तो खुद का टेंशन नहीं है, पर जिस दिन वो उसका एक दो डाउनलाइन गिर जाएगा उसके बाद तो वो खुद ही शेयर हो जाएगा। तो काम करवाओ, टीम बनाओ। चलिए, अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा होगा तो अपने डाउनलाइन के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो, और कमेंट करें कि कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक पे, किस टॉपिक पे बात करें।